और हिंसा के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन चल रहा था। इंसाफ मांगने सड़क पर उतरी तुर्क महिलाओं के साथ फिर पुलिस वालों ने जो किया वो सन्न कर देने वाला है। आधे मिनट में देखिए ये पूरी खबर। ये तुर्की पुलिस का क्रूर चेहरा नहीं तो और क्या है, ये वीडियो दिल दहला देने वाला है। भीड़ को भगाने के लिए पुलिस आंसू गैस छोड़ती है, लेकिन तुर्की पुलिस ने हद कर दी। आंसू गैस के गोले किसी भी प्रदर्शनकारी को निशाना बनाकर कभी नहीं दागे जाते, लेकिन तुर्की पुलिस के लिए जैसे कोई नियम कायदा नहीं। देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रही हिंसक वारदातों के खिलाफ ये महिलाएं प्रदर्शन पर उतरी थी। तुर्क सरकार से इस्तीफे की मांग कर रही थी। इस्तांबुल में हजारों प्रदर्शनकारियों को देख सरकार जैसे हिल गई, और फिर तस्कीम स्क्वायर के सामने जो कुछ हुआ वो बेहद खौफनाक था। और अब आपको दिखाते हैं इस्लामिक देश टर्की की हकीकत, आखिर क्यों महिलाओं को सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरना पड़ा। तुर्की में महिलाओं के प्रति हिंसा की घटनाएं बेतहाशा बढ़ गई हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने का प्रयास करने वाली संगठन वी विल स्टॉप फेमिसाइड प्लेटफॉर्म के अनुसार 2021 की शुरुआत से अब तक 345 महिलाओं की हत्या हो चुकी है, जबकि 2020 में समूह के आंकड़ों के अनुसार 409 मौतें हुई थी। बताया जा रहा है कि अकेले अक्टूबर में ही 18 महिलाओं को मार डाला गया, जबकि 19 संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गयी। इसी तरह के प्रदर्शन अंकारा और अन्य शहरों में भी किए गए। महिलाओं ने यूरोपीय परिषद की इस्तांबुल संधि में देश के बने रहने की मांग की। जुलाई में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन ने औपचारिक रूप से संधि तोड़ दी थी।